नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं राजकीय केंद्र माध्यमिक पाठशाला रामपुर कैंथल, मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर कैंथल, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का स्कूल है। तो आइए देखते हैं, आप देख सकते हैं सुंदर सा स्कूल है, काफ़ी अच्छी इसमें पेंटिंग्स हैं। ये देख रहे हैं आप बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकली साउंड करने के लिए, ये देखिए कलर आइडेंटिफिकेशन रेड ब्लू। तो अब चलते हैं, आज जो हमारा मोटिव है बच्चों को मोटिवेट करना है टेक्निकल एजुकेशन स्किल इंडिया के तहत जो है, तो आइए चलते हैं अब हम क्लास में। कई बातें आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप तो झूठ नहीं हो ना, आप सच है, आप है ना। तो ये शेफ बनना चाहते हैं, तो ये क्यों चुनना चाहते हैं और ये करियर अच्छा लगता है? वेरी गुड। और कितने जो इस होटल होटल मैनेजमेंट लाइन होटल लाइन में जाना चाहते हैं या टूरिज्म में जाना चाहते हैं? कोई नहीं, अच्छा आप दो हो गए, ठीक है गुड, बैठो। और आप क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। वेरी गुड, क्लैपिंग। मोटिवेशन किससे लिए? और कौन बनना चाहता है बिजनेसमैन? किसी एक बिजनेसमैन का नाम बता दो। वेरी गुड, अंबानी, टाटा, बिरला, है ना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ जी बता दिया था भौजी। और कोई अलग है? और कोई अलग है? और अब इस तरफ आप बच्चे हाथ खड़ा करो बैंक वाले, बैंक की जॉब्स। चलो बैठो। और आप पुलिस। वेरी गुड। और कोई अलग पुलिस से अलग? आप आईपीएस ऑफिसर। वेरी गुड। तो आपने ये आईपीएस ऑफिसर का ढंग से मामू से। वेरी गुड। तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है? आर्ट सीखना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बॉडी को फिट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी पुलिस है ना, उनके ऊपर जो ऑफिसर है, ठीक है, वो होते हैं आईपीएस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विसेज। वेरी गुड।
बैठो आप बच्चे। हाँ जी ट्रैफिक पुलिस, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? डॉक्टर। डॉक्टर गुड। मेडिकल रखोगे? रख लिया है? यस वोकेशनल। अभी आप 10th में हो? नो। अच्छा 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 9th में। वेरी गुड वेरी गुड। प्लस वन प्लस टू वाले भी हैं यहाँ? यस सर। नॉन मेडिकल वाले भी? नो सर। अच्छा 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 ठीक है आप मेडिकल रखोगे। वेरी गुड। आप IAS? वाओ गुड। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जितनी भी पॉलिसीज बनती है आपके स्कूल में, अभी आपका मेरे ख्याल ड्रेस का है चला हुआ ना, ड्रेस का, अब इनको मेरे ख्याल पैसे मिल रहे हैं, तो ये सारी पॉलिसीज कौन करता है? IAS ऑफिसर। ठीक है समझ गए? तो मतलब गवर्नमेंट के साथ जो IAS ऑफिसर्स मिलके देश को चलाने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है तो बैठो। गुड। और कोई IAS? वेरी गुड। खड़े जाओ। आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली IAS बनने की? ठीक है। और कोई डॉक्टर वाला भी? और डॉक्टर इंजीनियर किसी ने नहीं बोला? इंजीनियर हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर हार्डवेयर। वेरी गुड। ये कहाँ से मोटिवेशन मिली आपको? चाचू से। वेरी गुड। और कोई इंजीनियर? और कोई इंजीनियर? कोई वेल्डिंग का काम नहीं सीखना चाहता? वेल्डिंग। वेरी गुड वेरी गुड। ये छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो अपना रोजगार खुद, ठीक है ना, आप इसको बोलते हैं एंट्रीप्रेन्योर। एंट्रीप्रेन्योर उद्यमी मतलब जो अपना इन्वेस्ट करता है। ठीक है वर्ड सुना आपने एंट्रीप्रेन्योर? ठीक है एंट्रीप्रेन्योर होता है उद्यमी। उद्यमी मतलब जो अपना व्यवसाय, जैसे एक बिजनेसमैन बोल रहा था, व्यवसाय खुद खड़ा करता है। ठीक है शाबाश। और कोई प्लम्बर नहीं बना जाता? प्लम्बर डांसर। वाओ गुड। डांसर बनना चाहते हैं? ठीक है देखो ये भी जो मतलब खुद इन्वेस्ट करता है, खुद एक हीरो की तरह आता है, वो भी एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि डांस के लिए इनको सुबह उठना पड़ेगा। ठीक है ना, आप देखते हो क्रिकेटर जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, सुबह 4 बजे उठ के जिम कर रहे हैं। ठीक है फिर जाके बॉडी फिट रहती है। मेरा एक फ्रेंड था तो हम खाना खाने बैठे, साथ खाना खाने बैठे, उसने मीठा नहीं लिया ना ही उसने कोल्ड ड्रिंक ली, तो बहुत खट्टा मीठा सा छोड़ना पड़ता है अगर कुछ बढ़ना हो। आप देख रहे हो ना हमारे क्रिकेटर, ये विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, ये क्यों कामयाब है? बहुत मेहनत करते हैं ये। ठीक है हर चीज बैठे बैठे। और कोई अलग? और कोई अलग? हाँ जी जी हाँ जी एयर होस्टेस। क्या तैयारी करोगे? कोर्स करोगे? ठीक है। देखो ये अपना पैशन है, आपकी अपनी वो है, जो आपको अच्छा लगता है वही करोगे। और आप पुलिस? पुलिस गुड। आप भी हो गए ना। और कोई अलग? हाँ जी बच्चे आप फैशन डिजाइनर। देखो मैं आपको बता देता हूँ वॉइस, खासकर जो इस समय वर्ल्ड में नंबर वन फैशन डिजाइनर है वो बंदा है, एमएन है वो। ठीक है लड़की नहीं है, लड़का है, समझिए। तो ये ऐसा थोड़ी ना कि ये सिलाई का काम, जो डिजाइनिंग का काम है लड़की करती है, नहीं समझ गए। वेरी गुड। ये कहाँ से मोटिवेशन मिली आपको? खुद। वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम छोटा है बड़ा है, आप एक छोटे से अचार बनाने वाले को देख लो, ठीक है आप अपना उद्यम खुद खड़ा कर सकते हो। ठीक है अब जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज से अगर आप सभी बच्चे अपने नींबू के पेड़ लगाना शुरू कर दो, मान लो एक साल में 10 पौधे लगा रहे आप, तो जब आप मतलब आप बड़े हो जाओगे और आपकी शादियां होगी, आपके बच्चे जाएंगे, तब कितने पौधे जाएंगे वो? आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कितने जाएंगे? एक साल में 10 तो 20 साल में, 200। तो 200 पौधे आपने नींबू के कामयाब कर दिए, तो अपने माँ बाप की सेवा करो, घर में रहो और अपना खुद करते रहो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो ये भी एक रोजगार है, ठीक है, और सरकार जो है इसके पैसे भी दे रही है कि अपना उद्यम खड़ा करो, अपना व्यापार खड़ा करो। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है काम ये बराबर है सारे। जैसे उसने बोला वेल्डर का बनना चाहता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है
कोई प्लम्बर बनना चाहता है, ठीक है, कोई गाड़ियाँ कोई ठीक कर, गाड़ी का शौक किसी को नहीं है, गाड़ियों का शौक किसी को, किसको भी नहीं यहाँ पर गाड़ियों का शौक। शर्मा क्यों रहा है पता? चलो उधर गाड़ी, क्या शौक है आपका? हाँ जी ड्राइवर, वाह गुड, ठीक है, कौन सी गाड़ी चलाते? सीखनी गाड़ी। देखो देखो भाई, अगर ड्राइवर ही नहीं होंगे तो आप स्कूल कैसे आओगे, है ना? अब ड्राइवर क्या है, अपना उद्यम, अपनी गाड़ी रखी, ठीक है, अपना जब चाहा जब, ठीक है, अपना काम है तो अपने अपने शौक है, अपने जॉब वही। अगर मेरा शौक टीचिंग है तो मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, तो वही काम करना जो आपको अच्छा लगता है, और उसी को ही अपना पैशन बनाओ, उसी को ही अपना रोजगार बनाओ, ठीक है। और कोई अलग अलग कोई मैकेनिक, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आईटीआई है, ठीक है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, आईटीआई क्या होता है, जहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा टेक्निकल के बारे में बताते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई। आईटीआई में आपको क्या बताया जाएगा, जैसे कि वेल्डर का कोर्स है एक साल का, जैसे उसने बोला मैं वेल्डिंग करना चाहता हूँ तो एक साल की वेल्डिंग कर लेगा, उसके बाद वो लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा और अपना काम कर सकता है वो, ठीक है। उसी तरह से प्लम्बर ट्रेड में भी कर सकते हैं, प्लम्बर ये जो पानी वाला IPH में नौकरी लग सकती है, वेल्डर ट्रेड करेगा तो HRTC में भी उसको रोजगार मिल सकता है ना, HRTC में भी रोजगार मिल सकता है। और उसके बाद हमारे पास मोटर मैकेनिक ट्रेड है, मोटर मैकेनिक भी क्या सिखाते हैं, ड्राइविंग, जैसे इस बच्चे ने बोला मुझे ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइविंग भी सिखाते हैं और वहाँ पर गाड़ियों को ठीक करना भी सिखाते हैं, ठीक है, मोटर मैकेनिक ट्रेड में। और हमारे पास टर्नर ट्रेड है, जैसे गाड़ियों के पार्ट बनाने कैसे हैं मशीनों से, ठीक है, एक लेथ मशीन होती है, जैसे आप पेंसिल शार्प करते हो, तो एक बड़ी सी मशीन है जिसमें इस तरह से एक जॉब को कर रहे हैं, लोहा, यहाँ आप पेंसिल करते हो, वहाँ लोहा करते हैं, तो लोहा करने वाली मशीन को बोलते हैं लेथ, जैसे गाड़ियों के पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को कोई बता सकता है ये जो सरिया वगैरह ये कैसे बनता है, सरिया, ये जो आपने बिल्डिंग में सरिये देखे हैं, ये किसको बोलते हैं, ये कैसे बनता होगा, आपने कभी सोचा या देखा कि कैसे बनता होगा, नहीं सोचा? तो पेस्ट मैं आपको छोटा सा बताता हूँ इसका, पेस्ट आप करते हैं, पेस्ट नहीं करते, ब्रश नहीं करते, करते। अच्छा कोई मेरे को जोर से कौन बताएगा कि कैसे करते हैं, जोर से कौन बनेगा, कौन बताएगा, आप बताओ, जोर से बोलो, क्या करते हो सबसे पहले, कॉलगेट लेते हैं, तो क्या करना पड़ता है कॉलगेट लेने के लिए, वो ट्यूब को क्या करना पड़ता है, ट्यूब को दबाना पड़ता है ना, फिर क्या होता है, पेस्ट निकलता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गया आपकी ट्यूब, ये हो गई ट्यूब, किस तरह से, अगर हम यहाँ पर ये इसको बोल दिया हमने, क्या बोल दिया इसको, सिलेंडर, क्या बोल दिया इसको, सिलेंडर, इसको बोल दिया हमने पिस्टन, और इसके अंदर हमने गरम गरम लोहा भर दिया, जैसे पेस्ट कैसा होता है, पेस्ट टाइप लोहा भर दिया, क्या भर दिया, पेस्ट टाइप लोहा, मतलब जो लाल होगा बिल्कुल, ऐसे किचड़ देखा है वो चूल्हे की लिपाई करने वाली चिकनी मिट्टी, इस तरह से। अब मैंने क्या किया, इसको जोर से पीछे से प्रेशर दिया, जैसे पेस्ट दबाते हैं, ट्यूब दबाते हैं, तो अब ये क्या होगा, आगे से निकलेगा ये, है ना, और इस तरह यहाँ पर मैंने दो रोलर लगा दिए इसको खींचने के लिए, रोलर्स, इस तरह से। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ऐसे निकलता जाएगा और मैं इसको, ठीक है, ऐसे खींचता जाऊंगा आगे, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सट्रूजन, इस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सट्रूजन, एक्सट्रूड करना, किसी चीज को बड़ा करना, समझे, किसी चीज को बड़ा, छोटी चीज को खींच के, जैसे ये पेन है इसको मैं ऐसे खींच के बड़ा कर दूंगा, ठीक है, अब ये टेबल है इसको मैं बड़ा कर दूंगा और ऊपर को ले जाऊंगा ऐसे करके, एक्सट्रूड। तो मैंने क्या किया, इसमें यहाँ से प्रेशर दिया और जितना भी वो पेस्ट था, मोल्टन स्टेज, मोल्टन मतलब पिघला हुआ है ना,
तभी निकलेगा ना जो ग्राज ऐसा बना होगा इसका। तो ये इसमें से अगर मैंने तार निकाल दी, अच्छा आपने कई बार ऐसे भी देखे होंगे ट्रायंगुलर चैनल भी देखे होंगे, यू टाइप भी देखे होंगे, ऐसे भी देखे होंगे। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना तो क्या निकलेगा, पेस्ट की ट्यूब के आगे ट्रायंगल हो तो पेस्ट कैसा निकलेगा, ट्रायंगल। अगर सर्कल हो तो क्या निकलेगा, सर्कल। अगर यू शेप हो तो क्या निकलेगा। तो इसी तरह जो बड़े बड़े चैनल है छतों में लगते हैं वो ऐसे निकलते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, कितनी सिंपल है ना, है कि नहीं। बस पेस्ट पेस्ट वाला एग्जाम्पल आपने याद रखना। इसी तरह से हम उसके बाद हम ये है बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिक, ठीक है। उसी तरह से आपने मूर्ति बनाने वाले देखे हैं, मूर्ति बनाने वाले देखे हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, कास्टिंग। देखो हम सबसे पहले कोई चीज बनाते हैं ना, जैसे आपने वो स्पैनर वगैरह देखे है, चाबी स्पैनर ऐसे ऐसे करते होते हैं, जो स्पैनर ऐसे करते हैं, देखे आपने, देखे ऐसे करके जो वो करने के लिए होते हैं। तो ये कैसे बनेगा, पहले इसका खांचा तैयार किया जाएगा, फिर मूर्ति जैसे बनती है, देखे हो गया आपने मूर्ति बनाने वाले। तो उस प्रोसेस का नाम है कास्टिंग। उसके बाद हम उसको लेथ मशीन पे उसको काट कूट के जैसे आप पेंसिल गढ़ते हैं वैसे उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये होती है बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कौन सी प्रोसेस है। अब कास्टिंग भी कई तरह की है, ठीक है, कई तरह की कास्टिंग है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन हाँ आप पुलिस भी बन रहे हैं, आप आईएएस भी बन रहे हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आजकल पता है ना, गूगल सब करते हो, गूगल चलाते हैं ना, यूट्यूब भी सब चलाते हैं। तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं इस प्रोसेस को, आपको बढ़िया मतलब एक्सपर्ट्स ने अच्छी वीडियो डाली है, समझ भी आ जाएगी। तो ऐसा आप कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। जो आईएएस बनना चाहता है आईपीएस उनको पढ़ना ही पड़ेगा, ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज की होगी, नहीं तो आप अगर आपको आती होगी और मैं वेल्डर हूँ मैं बोलूँगा सर ये काम कैसे होता है, आपको बन जाएगा क्यों भाई, वो मैकेनिक आएगा सर नहीं नहीं ये तो ऐसे चलती गाड़ी है, ऐसे कैसे चलती है सर, तो आपको पता ही नहीं होगा क्यों। अब आप तो देर हो गए, तो आपको पहले जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ना, समझ गए। तो इसी तरह से बेसिक जो है वो नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना, क्यों भाई, ठीक है, समझ आया कुछ। तो हमारे आईटीआई में फैशन डिजाइनिंग, वो बेटी ने बोला भी मैं फैशन डिजाइनर बना था, तो हमारे पास फैशन डिजाइनिंग का भी आईटीआई में, ठीक है, दो तीन ग्रेड चलती है। और जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके नीचे जो स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं, स्टेनो इंग्लिश, वो किसी को नहीं है शौक, स्टेनो इंग्लिश स्टेनो हिंदी, हिंदी की टाइपिंग अंग्रेजी की टाइपिंग, आईएएस आप आईएएस बनना चाहते हैं वो तो आईटी है, आईपीएस जो भी है आईपीएस आईएएस, ठीक है। ये आपका देखो बच्चे ये स्किल है, इसी को स्किल बोलते हैं। आप अभी कौन सी क्लास में, 8 9 जो भी है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ या कोई ऑफिसर आता है वो अगर आप 8 क्लास में है, ठीक है, आपको ड्राइविंग आती है नहीं आती, ठीक है, अगर ड्राइविंग आती हो दैट इज एडिशनल स्किल। आपको पेंटिंग आती है, पेंटिंग आती है तो ये आपका स्किल है, ठीक है। आपको वॉलीबॉल खेलना आता है, किसको आता है वॉलीबॉल, हाँ, तो जिसको वॉलीबॉल आता है वो उनका स्किल है। ये किसी ने नहीं बोला है, आपका करियर है इसमें, आगे हमारे चैंपियंस निकल रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कबड्डी में अजय ठाकुर जी, दबोटा नालागढ़ दबोटा गाँव है जहाँ पर हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री लगती है ना, तो वो भी तो हमारे बीच से ही आए हैं, ठीक है ना। तो वो भी आजकल उनको भी इमीडिएट आईपीएस का रैंक मिला है, ऑफिसर एसपी, ठीक है। इसी तरह से आप जो भी कर रहे हैं ना उसको बड़े ध्यान से करो, आप ऐसा मत सोचो कि ये मैं पढ़ रहा हूँ मेरे किस काम का। आईएएस ऑफिसर का जो टेस्ट आता है, आईपीएस का जो भी टेस्ट आता है, या छोटे मोटे जो भी टेस्ट होते हैं, उसमें 10वीं से ऊपर का नहीं पूछा जाता है, हिस्ट्री सिर्फ 10th तक, समझ गए। पॉलिटिकल मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव कैसा होता है क्या होता है वो सिर्फ 10th तक, तो यही 10वीं तक ही मेन होता है पढ़ाई। उसके बाद तो आप अपने जैसे वो बोला वेल्डर, अगर आपका जिसका मन है वो 10th के बाद एलिजिबल है आप आईटीआई के लिए, आप आ जाओ आईटीआई, ठीक है। 2 साल की आईटीआई होगी, जो प्लस टू भी नहीं करना चाहता उसको भी आईटीआई के बाद वो 2 पेपर देगा, उसको प्लस टू भी मिल जाएगी साल में। ये भी पता है आपको, जो बच्चा देखो प्लस टू करोगे 2 साल होंगे वेस्ट आपके, आईटीआई 10वीं के बाद आईटीआई में आ सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट
दो पेपर देने पड़ेंगे और आप सीधा प्लस टू भी क्लियर कर जाओगे और साथ साथ ग्रेजुएशन चला सकते हो, ठीक है। और जो आईटीआई है उसके बाद रास्ता, आप सोच लो कि मैं तो आईटीआई में फंस गया, नहीं, आईटीआई के बाद रास्ता खुला है। आपने जेई सुने हुए, जेई जूनियर इंजीनियर्स, तो आईटीआई करने के बाद 2 साल के बाद होती है लेटरल एंट्री। मैं आपको इधर समझाता हूँ जो कि बेसिक है, टेंथ, ठीक है। टेंथ के बाद जो बच्चा रखेगा नॉन मेडिकल, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल, ठीक है, मेडिकल वाला जाएगा डॉक्टर, ठीक है, MBBS, ठीक है, सुना है आपने MBBS? सुना भाई MBBS तो सबने सुना होगा। तो जो मेडिकल, उसको मेडिकल लाइन में प्लस टू करनी होगी, 10+2, या फिर वो बी फार्मेसी कर सकता है, बी फार्मेसी जो उसके बाद अपनी डिस्पेंसरी खोल सकते हो, ठीक है, बी फार्मेसी कर सकता है, या फिर आप BAMS, बैचलर डिग्री इन आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंसेस, आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है, या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेडिकल लाइंस में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, या नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग। और नॉन मेडिकल वाला क्या कर सकता है, नॉन मेडिकल वाले यहां से सीधा जो है वो बीटेक इंजीनियर, सुना है ना आपने इंजीनियर, बीटेक भी मैकेनिकल इंजीनियर क्या करेगा, गाड़ियों का काम करेगा, हाइड्रो बिजली का काम करेगा, वैसे ही सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, सुना है, सिविल बिजली वाला इंजीनियर क्या करेगा, बिजली का काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इंजीनियर क्या करेगा, मोबाइल का काम करेगा, कंप्यूटर वाला इंजीनियर क्या करेगा, कंप्यूटर काम करेगा, समझ गए, फैशन डिजाइनिंग, ये थोड़ा, ये जो लाइन है ये फिर अलग है टेक्निकल, ठीक है, समझ गए। तो वो उसके लिए आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे आर्ट्स वाला बच्चा यहाँ पर 10+2 आर्ट्स में। अब मान लो आपने ये सभी ग्रेजुएट जाते हैं, ठीक है, अब एक बच्चे ने क्या किया, उसने आईटी चला गया, वो 10वीं के बाद सीधा आईटी चला गया, ठीक है, और आईटी के बाद क्या हुआ, उसको 10+2 मिल गई, टू पेपर्स उसने पास किए, टू पेपर्स, एक इंग्लिश कंपल्सरी और एक इलेक्टिव, वही उसकी अपनी मर्जी है, ये दो पेपर पास करने के बाद उसको मिल गई प्लस टू, साथ में मिल गई आईटीआई 2 साल की, जैसे वेल्डर ट्रेड है 1 साल का, प्लम्बर ट्रेड है 1 साल का, फिटर ट्रेड क्या है, जो जैसे रेलवे वगैरह में जॉब निकलती, फिटिंग करना जैसे, ठीक है, समझिए ना, खिड़की, ये अपने मशीन पार्ट फिट करने आपस में, गाड़ियों की चस्सी बनानी है, ये फिटर वाले करते हैं, ठीक है, शीट मेटल वर्क करना है, ये फिटर वाले करते हैं, फिर मोटर मैकेनिक वाले, उनका भी गाड़ियों का काम है सारा, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में भी होती है, फ्रिज का काम करेंगे वो, बहुत सारे इसमें है आइडियाज, ठीक है। अब तो शिमला आईटीआई में ड्रोन की टेक्नोलॉजी, ड्रोन की आइडियाज चल पड़ी है, अगले साल से ड्रोन शुरू हो जाएगा, ड्रोन जो लेटेस्ट चल रहा है हमारा, हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने चलाया है शिमला आईटीआई, 4-5 आईटीआई जहाँ पर ड्रोन चल रहा है, एक कांगड़ा में है, मंडी में है, एक हमारी शिमला आईटीआई, तो ड्रोन जो है वो लेटेस्ट एडवांस में चल रहा है ड्रोन, ठीक है, ड्रोन। और इसको आप क्या कह सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आपने देखा है अमेरिका वालों ने उसको सद्दाम, उसको कैसे मारा था, वही था ना, एक वो बनाया और उसने कैमरे में सारे उसकी लोकेशन देख ली और उन्होंने वहां पर उसको मार दिया, एक मक्खी, तो आप एक छोटी सी मक्खी आएगी उसमें कैमरे होंगे और आपकी लोकेशन पता चलेगी और वहीं मिसाइल आएगी, लेजर मिसाइल, और आप बस यही बिल्डिंग में बम गिरेगा पूरा, तो ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल क्या होता है, ये क्या है आर्टिफिशियल, ठीक है, पेड़ पौधे क्या है नेचुरल, पेड़ पौधे क्या है नेचुरल, जो भगवान ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है वो नेचुरल है, ठीक है, जैसे हम है, हम क्या है नेचुरल, भगवान ने बनाया है, अब मैं चाहूँ तो अपना
अगर खुद नाक डेटा करवाना चाहूँ तो करा सकता हूँ, ठीक है। कान यहाँ लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। गणेश जी बनना चाहे तो सूट लगा ली, आर्टिफिशियल, आपकी मर्जी, पूछ लगानी पूछ लगा लो, है ना, क्यों भाई, वो है क्या, आर्टिफिशियल, ठीक है। और सरकार भी मतलब इस तरह के कानून बढ़ती जा रही है अपना आस्ते 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 आस्ते, ठीक है। तो वो ये टॉपिक जो है सरकार क्या करती है, ये आईएएस एचएएस वालों का काम है, ठीक है। हम अभी टेक्निकल की बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल ये इस तरह के कोर्स, इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन सीखेगा आईटीआई वाला। लेकिन हाँ, इसका भी ग्रेजुएशन ये इसने भी प्लस टू में आर्ट्स में कर ली, मान लो इसने बीए कर ली, यहाँ पर बीए कर ली, बीकॉम कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी बच्चे ने प्लस टू हुई और इसने इसने क्या किया, यहाँ जॉब करनी शुरू कर दी, इस बच्चे ने यहाँ पर कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी, एक बढ़िया सी कंपनी में प्लेसमेंट हुई। और इसने क्या किया, इस बच्चे ने आईटीआई वाले ने इसने स्किल भी ले लिया साथ में, क्या कर लिया इसने, स्किल एडिशन कर ली इसने अपने आप में। इस बच्चे ने सिंपल बीए की है, इसको सिर्फ अपने आर्ट्स का पता है, इस बच्चे ने डॉक्टरी की, सिर्फ इसको डॉक्टरी का पता है, ठीक है। ये इंजीनियर है, इसको इंजीनियरिंग का पता है। इस बच्चे ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके काम सीखा और साथ में पार्ट टाइम अब जॉब कर ले पढ़ाई है, यानी जब इसने प्लस टू से निकलते हुए आईटीआई भी कर ली और एक पेपर दे के प्लस टू, जैसे ही प्लस टू हुई तो इसने जॉब शुरू कर दी और साथ में इसने 3 साल ग्रेजुएशन कर ली पार्ट टाइम, पार्ट टाइम करता रहा इग्नू से, आपको पता ही सबको, ठीक है, इग्नू आइसोडोल पार्ट टाइम, ठीक है। तो ये इसने भी बीए कर ली, मान लो यहाँ पर 3 साल इसने पेपर दिए और बीए कर ली। अब इन सबका लेवल एक है, ठीक है, ग्रेजुएट से ये बैचलर डिग्री इनके पास। अब आईएएस का पेपर ये सब कर सकते हैं, एचएएस का पेपर ये सब फाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस वाले के पास एडिशनल स्किल है, ये जॉब भी कर रहा है साथ में, क्योंकि ये, लेकिन हाँ बात ये है कि इसने 3 साल रेगुलर लगाए हैं प्लस टू के बाद, आफ्टर प्लस टू, ठीक है, 5 साल लगा दिए इसने, 2 साल इधर लगाए, 5 साल हो गए इसके यहाँ पर, इसके 4 साल बीटेक हो गई, डॉक्टर 6 साल, कम से कम 6 साल लेके चलो, तो 6 साल, ये 4 साल या 6 साल, ये बच्चा सिर्फ 2 साल के बाद जॉब में लग गया, अपना अपने माँ बाप के कंधों से बोझ भी हटा दिया है और बढ़िया अपनी स्किल एडिशन कर ली है इसने। और फिर भी ये 3 साल के बाद, ये मतलब 5 साल के बाद ये भी ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन यहाँ पर इसने 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, एक्सपीरियंस, समझ गए ना, लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सपीरियंस, उसके आगे एक्सपीरियंस के आगे क्वालिफिकेशन भी मैटर नहीं करती, सिर्फ टेक्निकल में। एक दसवीं वाला, अच्छा एक बार की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, एक बार क्या हुआ, एक फ्रॉड की बात है, एक बंदे की गाड़ी खराब हो गई, तो उसकी गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही थी, बहुत थक गया वो, पूरा दिन बीत गया, ठीक है। तो एक एक व्यक्ति आया, तो बोलता मैं कर दूंगा आपकी गाड़ी ठीक, ठीक है। आया तो उसने क्या किया, बस 2 हथौड़े मारे उसमें, और बिल कितना हुआ, 1 लाख रुपया, 1 लाख। बोलता भाई कहा 1 लाख, बोलते इसी लिए तो है 1 लाख जो मारा ये है। तो ये क्या है, इसे स्किल, इतने सारे इंजीनियर थे उनको पता ही नहीं चल रहा था, है ना, समझिए, यही स्किल होता है एक, जो मतलब 3 साल का, 3 साल जिसने मैकेनिक का काम कर लिया है, एक्सपीरियंस होगा, समझिए ना। अब आपके पेरेंट्स हैं जो मैक्सिमम, हम किसान हैं, हम किसान लोग हैं, तो अगर कोई नया काम, नया कोई किसान सीखेगा तो उसको टाइम लगेगा। अब आपके पापा मम्मी को पता है कि आज में टमाटर लग रहे हैं, टमाटर शिमला मिर्च लग रही है ना, समझ गए ना, तो वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। अभी मैं अगर इस मौसम में लगाने लग जाऊँ, अभी आजकल मुझे शलगम लग रही है, फूल जाएंगे वो, तो नुकसान हो जाएगा ना, अभी लगाना शुरू कर दूँगा, है ना, शलगम लगेंगे अभी नहीं लगेंगे, शलगम नहीं लगेंगे, है ना। तो अलग अलग मतलब कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, समझ गए, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था कि पता है, ठीक है, और इसमें आपको मतलब काम सीखना है, कंपनीज है, सरकारी नौकरी है, हमारे पास बहुत कुछ है इसमें, है ना। आपने इसरो सुना हुआ है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, सुना है, उसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट होता है जो आईटीआई के बाद टेस्ट होते हैं, डीआरडीओ सुना है, इंडियन रेलवे, सतलुज जल विद्युत निगम सुना है, एसजेवीएन, जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एनटीपीसी, बीबीएमबी, ठीक है, ये मैं ये नोट्स आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, बीबीएमबी आप ये लोग इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है, बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, आईटीआई करने के बाद लग सकते हैं आप इसमें, सीधी सैलरी 60,000 रुपया यहाँ पर आईटी करने के बाद, या अगर लग गए टेस्ट पास कर लिया, अगर अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहाँ पर अलाउंस ज्यादा मिलते हैं, थोड़ा रिस्की जॉब होती है ना, हाइड्रो पावर के अंदर जहाँ बिजली पैदा होती है वहाँ काम करना है आपको, तो थोड़ा रिस्क भी तो होगा, ठीक है। बाकी तो भाई जो पुलिस वाले हैं वो तो 10वीं के बाद भर्ती दौड़ना शुरू कर दो, वो भी बहुत बढ़िया है, नो डाउट, अगर उसमें आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, ठीक है, करियर की रिगार्डिंग बात हो रही है तो वो भी बहुत अच्छा है अगर आप जा सकते हो, ठीक है, पर बात ऐसी है कि अगर आप अफसर बने तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे उन्होंने बोला मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, ठीक है, समझ आए कुछ। अच्छा अब मैं थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे ही जनरल नॉलेज के बारे में, ये क्या है जीरो, कौन कौन बोलता है जीरो है, जीरो, हाँ जी क्या है बच्चे, ये क्या है, सर्कल, कौन बोलता है सर्कल है, दिखाओ नजदीक से दिखाओ, ये इसको पहले इनसे पूछते हैं कि क्या है, ठीक है, हाँ जी सर्कल कौन बोलता है, सर्कल, सर्कल वाले, और जीरो कौन बोलता है, जीरो, हाथ खड़ा करो करो मत वैसे ही, जीरो, अरे बोल दो बच्चे, जीरो जीरो शाबाश जीरो, ये एक भी तो लग सकता है, अंदर भी होता है, वो कौन कौन होता है, एक वाले के, ये मंगल ग्रह भी तो हो सकता है, है भी, सूर्य भी तो हो सकता है, मंगल ग्रह भी हो सकता है, क्या हो सकता है ये, ग्रह देखो भाई, अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 0, अब क्या है ये, अब क्या है ये, जीरो, अब अच्छा अब मैं आता हूँ, अब क्या है ये, अब मैं यहाँ पर सन लाता हूँ, ये सन है और ये क्या है, ये मान लो अर्थ हो गई, ये और भी है बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पर, अब आपको समझ आया बात, समझ में आई, ये यहाँ पर जो ये हमने इसको बोला था, ये यहाँ पर तो जीरो हो गया, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर ये प्लैनेट बन गया, ठीक है, अगर मैं बहुत सारे एग्स के साथ रख दूंगा तो ये क्या अंडा बन जाएगा, एग, तो मतलब क्या हुआ इसका भी, कोई बता सकता है, मैं कोई समझा सकता है क्या मतलब हुआ है, देखो भाई बात ऐसी है, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई उसका निचोड़ है यहाँ पर, जो सारी बातें अभी मैंने बताई कि आपको क्या करना है कैसे है, उसका निचोड़ है यहाँ पर, क्या कि ये जो जीरो थी जब इसने 1 2 3 4 के साथ लगी तो क्या बन गई, जीरो, और अगर ये 1 से आगे लगती तो क्या बनती, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती ना, वैसे ही बी ओ वाई इसने मतलब निकाला वाई, ठीक है, अगर मान लो ये मान लो जीरो, अगर यहाँ पर चार इसके बीच में ज्वारी होंगे, युवा खेलने वाले होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गेमर बन जाएगा ज्वारी, समझे, अब ये व्यक्ति यहाँ पर ये सारे जो है वो ड्रिंक करते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये ड्रिंकर, अब ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है यहाँ पर, और ये इंटेलिजेंट बच्चा बहुत पढ़ता है, ये
इसके साथ वाले क्या बन जाएंगे? है ना? क्यों बात देखने में आ रही है? ये बच्चा है वहां पर, मान लो ये बहुत अच्छे गाने गाता है तो सारे क्या बन जाएंगे? सिंगर। ये लड़की बहुत अच्छे डांस करती है, इसके साथ वाले क्या बन जाएंगे? एक बच्चा जीके बहुत अच्छी पढ़ता है, जीके उसको अप टू डेट है जीके, ठीक है? जैसे कि जैसे मान लो कोई ता सकता है, अभी अभी हमारा यहाँ इसराइल का प्रधानमंत्री कौन है? कोई ता सकता है इसराइल का प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट जल्दी जल्दी। पहले था बेंजामिन नेतन्याहू और अब कौन है? नफ्ताली बेनेट। आजकल कौन है? बेनेट, ठीक है? वैसे ही रशिया का प्रेसिडेंट है, तो सबको पता होना चाहिए रशिया का पाओ। 2 साल में लगे युद्ध चले हुए। वेरी गुड भाई, इसके लिए गिफ्ट। व्लादिमीर पुतिन पूरा नाम, ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट। तो दैट वाज शाबाश। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, हाँ, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अभी कुछ समय पहले हमारे हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं। कितने निर्वाचन क्षेत्र है हिमाचल में? 68। वेरी गुड। There is only one lady in the 68 members. बताओ कौन है? और वो कहाँ से? उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? कौन सी? चावल है? बोलो चावल। देखो ये देखो, इलेक्शन हुआ, अब हमारी जनगणना आने वाली है। 2021, 2011 की सेंसिस है, 2021 की आने वाली है। तो यही चीजें तो आती है टेस्ट में, और क्या आता है? ठीक है, रेणुका कश्यप भाई 50 से सिर्फ मोर 50 सीट है रेणुका कश्यप। वो एक ही महिला है इस बार, है ना, एक ही महिला है वो इस बार, बाकी सारे जेंट्स हैं। हाँ, पिछली सरकार में गई, पिछली सरकार में भी वो थी आशा कुमारी, या तो 5 लेडी थी, ठीक है, सलीम चौधरी 5 थी पिछली सरकार में, इस सरकार में है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कोई बच्चा न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा है, कोई न्यूज़ सुन रहा है। अब जैसे कल आरसीबी और किसका मैच था? आरसीबी और लखनऊ का मैच था, कौन जीता? आरसीबी जीती है, आरसीबी जीती है, वेरी गुड। चलो में नशा ज्यादा फैल रहा है, हिमाचल में कम है, तो आप अभी
ध्यान रख सकते हो, है ना बच्चों, ध्यान सुनो बस थोड़ा सा। और साथ में ही देखो हमारा बात ऐसी है ना, अभी हम इस क्लास रूम में है तो अच्छा माहौल है, अगर कोई हमारे को डर हो कि बाहर से पेंटू आने वाला है या कोई बंक लगा हुआ है तो हम आराम से काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो आप लोग सभी इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा सा माइंड को विजनरी रखो, कोई अगर ऊपर आदमी आता है बाहर तो ध्यान रखो पापा आज ये ऐसा आदमी देखा मैंने, ये गलत काम करते देखा, तो घर में जाओ और बताओ सबको, गाँव के किसी व्यक्ति को बताओ कि मैंने इस आदमी को ये गलत काम करते देखा है, कोई वहाँ पर ये आज मैंने पहली बार देखा ये आदमी यहाँ दिखता ही नहीं, समझ गए ना, कोई पंजाब की हरियाणा की गाड़ी आ रही है तो ध्यान रखो अपना दिमाग को अनुकूल रखो कि ये गाड़ी बड़े दिनों से खड़ी है क्यों है क्या है, समझ गए ना। आप सभी एक समाज का हिस्सा, अगर आप पुलिस नहीं है तो क्या मतलब आपका समाज अच्छा नहीं होगा तो कैसे रहोगे। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हमारे को डर हो भी बाहर बंदूक लेके बैठा हुआ है तो हम कैसे अभी इंजॉय कर रहे हैं ना, अपना टाइम है हमारा, कोई डर नहीं है ना। तो अगर आपके समाज में है ना, देखो अगर आपके गांव में कोई गलत काम कर दे तो अपना तो आपका ही होगा इसके गांव में, तो गांव समाज सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्यार से जुड़ रहेंगे तो इज्जत होगी भाई, वो गांव में लोग प्यार से रहते हैं लड़ते झगड़ते नहीं, है ना, समझिए जब समाज अच्छा है तभी आप भी उसी के पार्ट हो, है ना। अब देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ, न्यूज़ सुनी थी लास्ट ईयर, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अटैक करके कब्जा लिया, वहाँ का प्रेसिडेंट भाग गया, समझ गए ना। तो जब समाज ही रहने लायक नहीं बचा तो फिर हम क्या करेंगे, लोग भाग गए वहाँ से, प्रेसिडेंट भाग गया, समझ गए ना। जब प्यार से शांति से वातावरण बना रहेगा समाज में तभी जी पाएंगे ना। हालांकि आप दो खेत हल चला के गुजारा कर लो पर आराम से जीने के लिए, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि कोई नशा कर रहा है तो उसको टोको, यानी कि उसके साथ भीड़ भीड़ लग जाओ, है ना। तो कैसे फिर समझ आया बच्चों आपको, ये आपको ये के बारे में बताया थोड़ा थोड़ा, आपको बस यही बताया कि अपना साथ अच्छा रखना, किसी झूठे अगर आपको लगता है ये आदमी झूठा है तो छोड़ दो इसको, आज ही छोड़ दो उसको, उसका साथ मत करो क्योंकि वो आपको डुबा देगा, समझ गए। आपको लगता है ये चोर है तो उसका साथ छोड़ दो नहीं तो आप भी चोर बन जाओगे, बस यही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हमें बस लास्ट बात है भाई, क्योंकि जो हमें इंसानी देह मिली है ना, इंसान बने हैं ना 84 लाख की उम्र के बाद, तो ये इंसान तुम्हारा नहीं बनेगी, इसीलिए क्यों नहीं, जो भी करना है अच्छा काम वो इसी देह में करना है, इसी इंसान के नाते ये भगवान जी ने अच्छे अच्छे काम करने के लिए दिए हैं, है ना। अच्छा बढ़ने के लिए अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे बनो, पेरेंट्स अच्छे हैं सब अच्छा है, पढ़ रहे हो क्या कमी है। आज कल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं आगे, आप सोचते हो कि स्कूल वाले कुछ नहीं है, आप अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट करो, मेहनत करो, यूट्यूब में है, टीचर्स है, सब कुछ है ना, कोई कमी नहीं है। आजकल तो नेट 5G आ गया है ना, तो जो बनना चाहता है वो बन सकता है ना। और आप लोगों को भूख लगी होगी, है ना। बस मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये सारी वीडियो जो हमने देखी आप इसको अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, मेहता प्रैक्टिकल स्टडीज मेरे चैनल का नाम है, अभी तो मोबाइल में भी आता है, मैं वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वीडियो में भी देख लेना मेरे चैनल का नाम है। तो मैं उसमें करता क्या हूँ, एक्चुअल में मैं एक बेसिकली एक किसान ही हूँ और मैंने अपनी इंट्रोडक्शन नहीं की, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, पहले मैंने प्लस टू नॉन मेडिकल की, ठीक है, पहले मैं 10th तक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलग से मैंने प्लस टू की नॉन मेडिकल में और मैं अपने स्कूल में टॉपर था, ठीक है। मेरा नाम अभी भी देख सकते हैं आप खलग सुनील, मेरा नाम है सुनील मेहता, बोर्ड पे नाम है मेरा खलग में, ठीक है। और हमारे जो संजीव सर जो आपके लास्ट प्रिंसिपल यहाँ वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री के टीचर थे वो हमारे, तो बहुत ही अच्छा और मेरा बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते थे और हमें भी उससे मोटिवेशन मिली। फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 साल, उसके बाद मास्टर्स की एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, जैसे गाड़ियों की डिजाइनिंग करती है लेटेस्ट डिजाइंस, ठीक है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में 7-8 साल पढ़ाया, ठीक है, नवाशहर पंजाब में। फिर मैं IIT में आया और मैं डॉक्टरेट PhD कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है।
मतलब कि डिजाइनिंग फील्ड में ही आगे पीएचडी कर रहा हूँ और साथ में मैं आईटीआई शिमला में गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको बस इसी के ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए आया था कि बच्चे ठीक है आप बहुत अच्छे हो और अच्छा कर सकते हो, बस कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और बस मोबाइल से दूर रहो, शाम के टाइम मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल अच्छी चीज़ भी है, इससे 5G से जो है ऐसी ऐसी वाइब्रेशन है कि आने वाले 8-10 सालों में आप आदमी परेशान होना शुरू हो जाएगा। रात को सोते समय फोन बहुत दूर रखो, अपने सहारे मत रखो, फोन देख के मत सो। शाम के टाइम भगवान का नाम 10 मिनट आराम से, सारा दिन हमने क्या किया, कोई हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है ना, समझ गए। शाम के टाइम पूरा ध्यान रखे सो और सुबह भी आपको फिर क्या होगा, रात को आप अगर भगवान का नाम लेके सोएंगे तो पूरी रात भगवान के ही सपने आपको आते रहेंगे, आपको वो काम सपने नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मानता है इस बात और सुबह
तो उन्होंने बोला कि फिर मेरे को गुरु दक्षिणा क्या देंगे, बोले अंगूठा, उसने अंगूठा काटा और उनको दे दिया। तो ध्यान में बहुत बड़ी पावर है, इस उम्र में आपके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है, अगर आप ध्यान इधर उधर मोबाइल्स की गेम्स ये में बेस भी करोगे और अपना एक टारगेट रखोगे तो आप उसको जरूर अचीव करोगे। जो IAS है वो IAS बनेगा, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा और समाज का देश का भला होगा और हम फिर से विश्व गुरु बन सकेंगे। ठीक है, भारत है, भारत हम भारतीय है, हिमाचल है, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो हिमाचल को आगे लाने का होना चाहिए, हमारे बीच में से ही गोल्ड मेडलिस्ट निकलने चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो प्रॉमिस करो मेरे साथ कि कोई भी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और अपने पेरेंट्स की सेवा करेगा और मेहनत करेगा, जैसे मैंने कहा सुबह जल्दी उठेगा और मेडिटेशन करेगा। प्रॉमिस? Yes. तो ठीक है, इसी के साथ हम आज की ये बातचीत।